हेलो किड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड हैविंग गुड टाइम विद योर फैमिली। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं अपना न्यू चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर ऑफ अवर टेक्स्ट बुक। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर अपने टेक्स्ट बुक का अपन स्टार्ट करेंगे, चीतास टियर। इसका मतलब क्या है? चीता के आंसू। ठीक है, इस चैप्टर का नाम क्या है? चीतास टियर, चीता के आंसू। अब हम कुछ हार्ड वर्ड्स हैं, कुछ कठिन शब्द हैं इस चैप्टर में, पहले वो देख लेते हैं। मिडो, मिडो का मतलब होता है घासना, मैदान मा। ठीक है, क्रॉलिंग, पेट घसाड़ीने चालू, पेट घसाड़ीने चालू यानी कहवाए क्रॉलिंग। इनविट, ईर्षा, ईर्षा यानी इनविट कह। स्पियर इट मींस बालो, ए छुरीवार होए कोई वेपन होए इन्हें बालो कहवाए। ड्रैग, खेचीने, खेचीने कोई वस्तु ले जावानी इन्हें ड्रैग कहवाए। स्निप, सूंगी, सूंगी लेवानो एमने स्निप कहवाय। वीपिंग एटले रड़वू। डिसऑनर, अपमाने, डिसऑनर एटले अपमानित करवानो करवू ए। स्टेन एटले दाग। विग एटले दुष्ट, विग नो मतलब शू है? दुष्ट। आइसोलेटेड एटले अलग, अपने यहां वर्ड बहु यूज करी छे ने अत्यारे आइसोलेटेड एटले अलग થઈ જવું, આઇસોલેટેડ નું મતલબ કઈ નથી પણ અલગ થઈ જવું। ક્રિપ્સ, કમકમાટી, કમકમાટી એટલે એવી રીતે જવાનું કે કોઈ આપણને જોઈ કે નોટિસ ના કરી શકે એવી રીતે જવાનું એને કમકમાટી કહેવાય। સો આપણે ચેપ્ટર ચાલુ કરીએ છીએ। એ ચેપ્ટર માં અહીંયા આપેલું છે, લોંગ લોંગ અગો અ ઝુલુ હન્ટર વોઝ સિટિંગ અન્ડર અ ટ્રી, હિસ નેમ વોઝ ઇડી। He saw a large herd of deer grazing in the lush green meadow। बहुत बहुत पहले की बात है, जुलू नाम का हंटर था। ठीक है, वो एक घास के मैदान में बैठा हुआ था और वो देख रहा था कि बहुत डियर का मतलब के डियर आपको पता है क्या होते हैं? डियर एक तरह के प्राणी होते हैं। ठीक है, डियर का जो झुंड आ रहा है, डियर का झुंड आ रहा है वो वहां पे कहां पे आ रहा है? घास के मैदान में, घास के मैदान में डियर का झुंड आता है। हिरण, हिरण को डियर कहते हैं, हिरण, हिरण का झुंड आ रहा है। ठीक है, उसने खुद को कहा, ये जो डियर्स हैं, दिस डियर आर रियली वंडरफुल, बट आई हैव टू रन अ लॉट टू कैच वन ऑफ देम, कांट बी देयर एन इजी वे टू गेट वन। उसने खुद को कहा कि मुझे इनको पकड़ने के लिए बहुत भागना पड़ेगा, क्या मुझे ऐसा कोई नहीं मिल सकता है जो मेरे बदले वो काम कर सके। Suddenly he saw a female cheetah crawling silently closer to the grazing animals. Then she leaped and caught a deer. After some time her two young cubs came out of the bush. They all enjoyed their meal. अचानक क्या हो गया? Female cheetah एक आई, धीरे धीरे रेंगते रेंगते silently, जहाँ पे सारे जो हिरण हैं वो अपना खाना खा रहे थे, वो घास चर रहे थे, वहाँ पे आई और उसने deer को क्या कर लिया? पकड़ लिया। डियर को पकड़ते ही उसने, उसके बाद उसके जो टू यंग कब्स हैं, कब्स का मतलब होता है उसके दो बच्चे, वो बस से झाड़ियों से बाहर आए और उन सब ने मिलके क्या किया? मील को एंजॉय किया। इट इज आईज ब्राइटन, दे स्पार्कल विद एन आइडिया, ही इनविट द कब्स, कैन आई बी लकी एज दिस ब्यूटीफुल कब्स, दे गॉट देयर फूड विदाउट एनी एफर्ट, कैन आई हैव अ हंटर लाइक देयर मदर, ही थॉट। एनविट को ये देख के उसकी आंखें ऐसे मतलब एक आइडिया से चमक जाती हैं कि मुझे भी एक आइडिया है, मैं भी क्या करता हूँ। उनको कब्स को देख के उसको ईर्ष्या होने लगी कि क्या मेरे लिए कोई ऐसा नहीं हो सकता है जो खाना लेके आ सके, जैसे कि ये बच्चों को उनकी मदर खाना लेके आके दे रही है। उसके दिमाग में ये आइडिया चल रहा था। ही डिसाइडेड टू कैच अ यंग कब एंड ट्रेन इट टू द हंट फॉर हिम। उसने क्या किया, ये छोटे छोटे कब्स को क्या कर लेगा? वो उनका अपहरण कर लेगा, उनको चुरा लेगा वहां से। देन आई शैल ओनली से ओ माई डियर गो एंड किल अ डियर फॉर मी। उसके बाद वो क्या करेगा, उन बच्चों को सिर्फ ऑर्डर देगा कि जाओ मेरे लिए डियर पकड़ के ले आओ, तो वो सीधा चले जाएंगे डियर पकड़ने के लिए। ओ माई लाइफ विल बी वेरी कंफर्टेबल, मेरी लाइफ क्या हो जाएगी, बहुत ही कंफर्टेबल हो जाएगी, मैं आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकूंगा। ही वॉज क्वाइट प्लीज विद हिज ओन
आइडिया, वो अपनी खुद की आइडिया से क्या था, बहुत खुश था, उसको मजा आ रही थी, मतलब वो सोच के अपने दिमाग में वो आइडिया सोच सोच के बहुत खुश हो रहा था। He decided to follow cubs and steal one. From his experience, E.G. knew that the cheetah never attacks a man. उसको आइडिया है, उसने कब्स को फॉलो करने का और उनको चुराने का आइडिया ले लिया, ठीक है, उसको आइडिया आ गया और उसने वो ठान लिया कि वो यही करेगा। ईडी को एक्सपीरियंस था कि चीता जो है कभी भी इंसानों के ऊपर अटैक करते नहीं है, देयरफॉर उनके लिए सेफ होगा कब्स को चुराना। ही फॉलोड द चीता फैमिली टिल इवनिंग। एट द सनसेट द मदर चीता हाइड हर कब इन द थिक बश एंड लेफ्ट फॉर अ स्ट्रीम। सुबह से शाम तक उसको ना पीछा किया, फिर लास्ट में चीता ने अपने बच्चों को कहाँ छुपा दिया, एक बहुत बड़ी घास में छुपा दिया है ताकि वहां पे कोई आ ना सके, और उसके बाद वो स्ट्रीम की ओर चली गई, मतलब पानी पीने चली गई वहां पे। देन आफ्टर क्विकली द हंटर पिक्ड अप हिज नेट एंड स्पीयर एंड रन इनटू द बश। इतने में उसने क्या किया, हंटर ने अपना वो छुरी वाला स्पीयर उठाया, ठीक है, और उसके बाद वो उसने जाली उठाई और वहां पे उन कब्स के पास चला गया। उसने उन दो कब्स कब के पास गया, दो कब्स बेचारे जो छोटे बच्चे थे चीता के, उसने उनको देखे। दे लुक्ड एट हिम विद देयर ब्राइट आईज, दे वर टू यंग टू रन अवे, वो बहुत छोटे थे, वो भाग सकते नहीं थे। ईडी थ्रू द नेट ओवर देम एंड कब्स वर कॉट। ही नीडेड ओनली वन कब बट ही थॉट ऑफ इट विल ऑलवेज बेटर टू हैव टू स्लेव्स इंस्टेड ऑफ वन। उसने उनको पकड़ लिया, नेट फेंकी उसने, नेट बैठने के बाद दोनों के दोनों जो कब्स हैं उसकी जाली में फंस गए। उसको एक ही कब चाहिए था पर उसने सोचा कि चलो एक से भले दो, किसको है ना दो मजदूर नहीं चाहिए होंगे अपने लिए काम करने के लिए, सबको दो नौकर चाहिए, ऐसा करके वो कह रहा था कि एक के बदले मुझे दो नौकर मिलेंगे तो क्या प्रॉब्लम है, मुझे तो चलेगा। तो उसने दोनों बच्चों दोनों कब्स को चुरा लिया और उसने उनको बड़े से बास्केट में डाल दिया। द मदर चीता रिटर्न्ड आफ्टर अ व्हाइल, शी डिड नॉट फाइंड हर कब्स, शी लुक्ड ऑल अराउंड, फर्स्ट ऑफ ऑल शी बिकम एंग्री एंड जंप्ड वाइल्डली, शी स्निफ्ड ऑल अराउंड बट अलास शी कुड नॉट फाइंड हर डियर बेबीज। एट लास्ट शी बिकम सैड एंड स्टार्टेड क्राइंग, शी क्राइड एंड क्राइड फॉर द होल नाइट टिल द नेक्स्ट इवनिंग। उसके बाद जब मदर चीता वहाँ पे आती है, वो अपने बच्चों को वहाँ पर नहीं देखती है, वो उनको पूरी हर जगह पर ढूंढती है। पहले तो बहुत गुस्सा हो जाती है, जोर जोर से कूदना चालू करती है कि उसके बच्चे कहाँ चले गए, वो जोर जोर से सूंघने चालू करती है हर जगह पर, बट ओ बाप रे उसके बच्चे तो उसके पास है ही नहीं। वो पूरी जगह उनको ढूंढ लेती है बट कहीं पर उसको बच्चे मिलते नहीं है, वो बेचारी दुखी हो जाती है और रोना स्टार्ट कर देती है। वो इतना रोती है पूरी रात के, मतलब वो जोर जोर से रोना स्टार्ट करती है। एक रात से लेके दूसरे इवनिंग तक, एक रात से लेके दूसरी शाम तक वो बेचारी रोती रहती है। शी क्राइड एंड क्राइड अंटिल हर टीयर्स मेड डार्क स्टेंस डाउन हर चिक्स, शी वॉज स्टिल वेपिंग। वो तब तक रोती है जब तक कि उसकी बेचारी पूरे आंखों के आगे पूरे काले काले धब्बे आ गए हैं, पूरा काला काला हो गया है, वो रो रो के पूरी हैरान परेशान हो गई है। एट नाइट द मदर चीता क्राइड सो लाउडली दैट शी वॉज हर्ड बाय अ वाइस मैन लिविंग इन द विलेज। दूसरी रात मदर चीता जो इतना जोर जोर से रोती है कि वहाँ पे जो एक बंदा गुजरता है, एक वाइस मैन मतलब बुद्धिमान इंसान वहाँ से गुजरता है विलेज के वहाँ से। द ओल्ड मैन अंडरस्टूड व्हाट हैड हैपन्ड, वो बुढ़े आदमी को पता चल गया है कि क्या हुआ है। इमीडिएटली टुक हिज स्ट्रॉन्ग क्लब एंड केम आउट ऑफ हिज हर्ट। दिस ओल्ड मैन शानू वॉज वेरी वाइस, ही लव्ड एनिमल्स एंड न्यू ऑल अबाउट देम। वो अपने हाथ में एक बड़ी सी डंडी उठाता है और अपने घर से बाहर निकलता है। इसका नाम जो ओल्ड मैन, उसका नाम है शानू, ठीक है। ये शानू है जो वो एनिमल्स को बहुत प्यार करता है और उनके बारे में ऑलमोस्ट सब चीज़ें वो जानता है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें वो जानता है। When Shanu found out the hidden cubs, he knew that it was Edie's big idea. जब उसको उस छोटे से कब्स मिले तब उनको पता चल गया कि ये किसकी आइडिया हो सकती है, ये Edie की आइडिया हो सकती है, ऐसे दुष्ट काम वही कर सकता है। He got angry with Edie. He rushed to the hut and shouted, "I hate you, Edie. Everybody of your tribe will hate you.
बिकॉज यू आर लेजी एंड वेट टू. तुम्हारे जो जाति के लोग हैं वो एक्चुअली बहुत गुस्सा हो जाता है, फिर उसके बाद वो अपनी डंडी लेके उसके हर्ट के बाहर जाता है, उसकी चोपड़ी के बाहर जाता है और जोर जोर से चिल्लाता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, ऐसे करके उसके बाहर चिल्लाता है कि तुम्हारे सब जाति वाले तुमसे नफरत करेंगे क्योंकि तुमने बहुत एक घटिया काम किया है. हमें पता था कि तुम लेजी हो पर तुम इतने दुष्ट हो, हमें वो पता नहीं था पर आज हमें वो भी पता चल गया. We know that a hunter must hunt with his own strength and skill. हमें पता है कि हमें hunt करना है but हमें अपनी strength से, अपनी ताकत से, अपनी तरीके से करना है, ना कि अपन दूसरों की चीजों को, दूसरे के बच्चों को चुरा के हम उससे thief करवाएं, मतलब चोरी करवाएं. You have broken the rules of our tribe. तुम्हें अपनी जाति के अपने रूल तोड़ दिए हैं. You have brought dishonor to the whole tribe. तुमने पूरी हमारी जाति को शर्मिंदा कर दिया, पूरे हमारे कुल को शर्मिंदा कर दिया. All the members of the hunter tribe got together. सारे जाति के लोग इकट्ठा हो गए. They decided to drive away Iggy from their village forever. पर उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो लोग जो है Iggy को अपनी यहाँ से, मतलब अपने गांव से हमेशा के लिए बाहर भेज देंगे. Shanu took the cups on his shoulders and returned them to their mother. He saw that long weeping of the mother cheetah had stained her face for ever. उसने उसको फिर छोटे बच्चों को उठाया और उसने अपनी छोट जो चीता थी उसको उनके बच्चे दे दिए. अब उनको बताया कि जो आंसू उसके गिरे ना बच्चों, जो आंसू उसके गिरे हैं वो आंसू जिंदगी भर उसके मुंह पे रहेंगे. वो कभी आंसू उसके वहां से, वो आंसू के जो दाग हैं वो कभी वहां से हटेंगे नहीं. वो चीता इतना रोया है, रोई है, इसलिए इस चैप्टर का नाम है चीतास टीयर्स, ठीक है, चीता के आंसू. सो हमें किसी को भी बच्चों रुलाना नहीं है, कुछ गलत काम नहीं करना है, जितना आप लोगों से हो सके उतना करो. जैसे आप एग्जाम में चीटिंग वगैरह करते हो नथिंग, कुछ नहीं करना है, जितना आप लोगों को आता है उतना लिखो, अपनी मेहनत से लिखो, आप सफल जरूर होंगे, ठीक है. आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है अभी चीता के इन्फॉर्मेशन के बारे में, दैट वी विल डू इन अवर नेक्स्ट वीडियो. टिल दैट टेक केयर, बाय बाय.